फ्रेंड्स, माय नेम इज आकांक्षा सिंह एंड आई सिक्योर्ड AIR 2 इन नीट UG 2020. आई हैव गॉट 720 आउट ऑफ 720. नीट UG 2020 का जो पेपर था इट वॉज क्वाइट ऑन द इजियर साइड. ओनली फ्यू क्वेश्चन वर मॉडरेट, अदरवाइज जो पूरा पेपर था वो काफी इजियर साइड पे था. मैंने ऑन पूरा पेपर 1 hour 45 minutes में कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद मैंने OMR बबल किया. मैं अगर स्ट्रैटेजी वाइज बात करूँ इंडिविजुअल, आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक और हर टॉपिक में मैंने कैसे कवर किया था, दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस टुडे. तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट फिजिक्स. तो फिजिक्स में बेसिकली मेरे टाइम पे, जैसे अभी एम्स को जो है एम्स दिसंबर 2019 में हटा है, उसके पहले एम्स का एग्जाम भी होने वाला था और जिपमर भी होने वाला था. तो उसमें फिजिक्स जो है वो काफ़ी हायर लेवल पे पूछी जाती है. सबसे पहले मैं मॉड्यूल पूरा कवर करती थी, उसके सारे क्वेश्चंस करती हूँ, उसके बाद से मैं NCERT पे जाती थी. NCERT को पूरा थोरोली मैं रीड करती थी, उसके इंटरनल जितने क्वेश्चंस हैं सारे कवर करती थी और फिर जितने एडिशनल एक्सरसाइज है पीछे वो करती थी. जितने भी मतलब मैकेनिक्स में अगर बात करें तो मैकेनिक्स में मैंने FCV की पूरी थ्योरी करी है और जितने एक्सरसाइज होते हैं वो किया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट आता है 12th में उसमें भी मैंने FCV पूरी कवर करी. उसके बाद से FCV के बाद मतलब मैंने एरोडोव भी सॉल्व करी है. एरोडोव से मैंने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट किया है. अभी अगर मैं सिर्फ नीट की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो एरोडोव और अनुराग मिश्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एम्स के लिए मैंने किया था. और नीट पे फोकस करने के लिए आपको NCERT पे एकदम फोकस्ड रहना है, उसी को करना है. और NCERT के अलावा आप मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स अटेम्प्ट करो. नीट के जितने प्रीवियस ईयर के 20 ईयर्स के पेपर हैं वो आप सारे अटेम्प्ट करो, और उससे रिलेटेड जितने भी बाहर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप फिजिक्स में करो. आई थिंक दैट विल बी एनफ.